जनता, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा सुप्रभात। और इसी के साथ गंगा सवेरा वो बुलेटिन जिसमें यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर आपके सामने हम पेश करेंगे नए अंदाज में। बिल्कुल, तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड के हर शहर और हर कस्बे की खबर। बिल्कुल आयुषी, देखिए खबरों में धार भी होगी, रफ्तार भी होगी और खबरों पर हम विस्तार से चर्चा भी करते हैं और आप देखेंगे राजनीति से लेकर जन सरोकार तक की हर खबर को। बिल्कुल, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और अब वो 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े जिसमें मुर्मू को 2,824 वोट मिले जिसका मूल्य 6,76,803 रहा। वहीं यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो 1,877 वोट उन्हें मिले हैं जिसका मूल्य है 38,01,070। बिल्कुल आयुषी, देखिए ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा करते हैं कि पहले से भी जो गणित था वो इसी तरफ कह रहा था कि जीत तय है, लेकिन बीजेपी का जो टारगेट था आयुषी वो था कि कितने मार्जिन से ये जीत तय की जाएगी। और सबसे अहम बात जिस पर निगाहें टिकी थी कि भाई क्रॉस वोटिंग हुई है क्या, अगर देखिए काउंटिंग में 53 अवैध वोट पाए गए हैं और वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो मुर्मू को 64.03%, सिन्हा को 35.97% वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का ये टारगेट था कि जीत तो हमारी तय है, कितना मार्जिन बढ़ा सकते हैं उसकी कोशिश की जाए और कमोबेश वो सक्सेसफुल भी नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए क्रॉस वोटिंग हुई है, अच्छा खासा वोट इनवैलिड हुआ है और इन दोनों चीजों का फायदा जाहिर तौर पर एनडीए प्रत्याशी और अब महामहिम पद का चुनाव जीत चुकी रायसीना का जंग जीत चुकी द्रौपदी मुर्मू को हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए कहीं ना कहीं पहले से ही अनुमान लगा लिया गया था कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की नई राष्ट्रपति होंगी। विपक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो कल कहीं ना कहीं पहले से ही विपक्ष हार मान चुका था। वही राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की है। बताया ये भी जा रहा है कि विपक्ष के 5 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। वहीं विपक्ष के 3 विधायकों के वोट अवैध घोषित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि भाजपा को 283 वोट मिले थे लेकिन उसे 263 वोट मिले हैं। तो देखिए बीजेपी को 283 मिलने थे लेकिन 287 वोट मिले हैं, यानी कुल मिलाकर के ये जो वोटों की संख्या में बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है 4, वो क्रॉस वोटिंग के जरिए आई है। तो ये जो संख्या गणित होती है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हर एक सांसद की वोट वैल्यू होती है 700 और विधायक की 203। ऐसे में जितने वोट मिले हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्रॉस वोटिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एनडीए के पास कितने विधायक हैं, साथ में सुभासपा का सहयोग मिल गया तो कितने विधायक हैं, उस हिसाब से आप गुणा कर लेंगे तो आपके सामने एक आंकड़ा आएगा। लेकिन अगर उस आंकड़े से ज्यादा वोटिंग हुई है इसका साफ मतलब है क्रॉस वोटिंग हुई है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक वक्त पर विप जारी करके अनुशासन के साथ तमाम विधायकों को लेकर के गए थे अखिलेश यादव वोटिंग के लिए, लेकिन वहां से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्रॉस वोटिंग हो गई है। किसने क्रॉस वोटिंग की है इस चुनाव में ये तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ ये जरूर पता चलता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। कितने समर्थन के साथ आपको विधायक और सांसद वोट करने वाले हैं ये जानकारी है, लेकिन अगर उससे कम होती है, जितने विधायक अखिलेश यादव के पास है उनको अगर वो 203 से गुणा करते हैं तो उतने वोट होने चाहिए, लेकिन अगर उतने वोट नहीं आए उत्तर प्रदेश से इसका मतलब ये है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। प्लस द्रौपदी मुर्मू को जितने वोट मिलने चाहिए थे उनसे 3 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। तो कुल मिलाकर के आयुषी ये जो गणित है साफ तौर पर इशारा करता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। ये जो वोट है गोपनीय होता है, ये तो नहीं पता चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है ये अहम है। तो चलिए हम रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए। अनुभव, जिसका डर था वो हुआ, विप भी जारी किया गया और पूरी कोशिश की गई थी कि क्रॉस वोटिंग ना हो, सबको समझाया भी गया था, लेकिन ये जो खबर आ रही है उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में कितनी हलचल? देखिए बिल्कुल, अब तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो
हम कहें तो चुनाव जीत चुकी हैं और अब जल्दी वो शपथ भी लेंगी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने पहले ही कहा था कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में जो सेंधमारी है वो देखने को मिली है और वही नतीजों के बाद सामने आया है। यानी जो विपक्षी कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनको 111 ही वोट मिले, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट थे उनको 287 वोट मिले। अब बीजेपी के तमाम सारे, अगर हम बीजेपी, उनके सहयोगी दल और जो लोग विपक्ष के साथ आए बीजेपी के, उनको भी जोड़ लें तो वो जो टोटल वोट था वो 282 के आसपास बैठता था, लेकिन उसमें भी ये वोट ज़्यादा हो गए। फिर जो विपक्ष का वोट था उसको आप देखिए, 111 तो सपा के ही लोग थे, उसमें शिवपाल जी को आप पहले ही माइनस कर दीजिए तो 110 हुए, एक वोट और नहीं पड़ा तो वो 109 कर दीजिए, और उसके अलावा 8 उनके सहयोगी थे, वहाँ 117 वोट अगर पड़े तो उसमें से 111 वोट मिले, फिर 6 वोट जो है वो आप ये कहिए कि कहाँ गए, 3 इनवैलिड बताया जा रहा है, तो चलिए अगर 3 भी इनवैलिड है तो भी तो 3 वोट जो है वो विपक्ष के कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को ही गए हैं। अब ये देखना होगा विपक्ष के नेताओं को, अखिलेश यादव को भी देखना होगा, इसके अलावा आरएलडी को देखना होगा, कांग्रेस को देखना होगा, क्योंकि उसमें आप 2 वोट कांग्रेस के भी जोड़िए, वो भी तो यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहे थे, तो इस तरीके से कुल 5 वोट हो जाते हैं। किसने कहाँ गलत वोटिंग की, किसने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया, जो विप जा रही थी उसको नहीं फॉलो किया, ये अब बड़े सवाल है। बिल्कुल, और इसका जवाब तो खुद उन पार्टी के जो मुखिया है उनको ही ढूंढना पड़ेगा। और देखिए अखिलेश यादव के लिए अब शायद ओम प्रकाश राजभर ज्यादा क्लियर इंडिकेट करके सामने से अलग हो गए तो ज्यादा आसान होगा, लेकिन जो पार्टी के साथ मौजूद है, जो पार्टी के भीतर मौजूद है, वो भी बात नहीं सुन रहा है, तो ये टेंशन वाली बात है अखिलेश यादव के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम योगी के दिल्ली दौरे की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। सिम के साथ आज दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम राष्ट्रपति के डिनर फेयरवेल कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी मद्देनजर वो दिल्ली रुक करेंगे। इसके बाद 24 जुलाई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दिल्ली में होनी है, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी सीएम शामिल होंगे। सीएम अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे, तो अब हलचल रहने वाली है दिल्ली में। कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, राष्ट्रपति का फेयरवेल डिनर है, उसके बाद नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन इस दरमियान आलाकमान से बातचीत और चर्चा का दौर। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में लखनऊ में जिस तरीके की उठापटक पिछले दिनों देखी गई कई डिपार्टमेंट्स के मद्देनजर, अब ये दिल्ली दौरा है, हालांकि बताया जा रहा है डिनर कार्यक्रम है, लेकिन बातचीत आलाकमान से होगी इस दरमियान। और देखिए यूपी में आज तमाम विभाग के कार्य अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज मंत्रियों की शिकायत पर भी यूपी में तमाम विभागों में अफसरों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल आयुषी, देखिए मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी अछूता नहीं रह गया है, 6 लोगों पर कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करती है। गुरुवार को जब सीएम आवास पर दिनेश खटिक के साथ बैठक हुई तो उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज दिखाई दिए। ऐसे में अब ये नाराजगी क्या कार्रवाई के तौर पर सामने आती है, खुलकर के सामने आती है, ये देखना होगा, क्योंकि दो डिपार्टमेंट में जिस तरीके की उठापटक देखी जा रही है, जिस तरीके से मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं, ऐसे में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। चलिए बात करेंगे प्रयागराज की, जहां के रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के बाद अब विवाद गहरा गया है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के स्लीपर वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी गई है। देखिए लुलु मॉन के बाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का ये मामला सामने आया है। एक मदरसे के शिक्षक ने बच्चों के साथ स्टेशन पर नमाज पढ़ी। हैरानी की बात यह है कि आरपीएफ और जीआरपी ने इन लोगों को नमाज पढ़ने से रोका भी नहीं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। के लुलू मॉल में नमाज या पूजा करने पर विवाद शांत हुआ तो प्रयागराज से ये नई तस्वीर सामने आ गई। प्रयागराज जंक्शन के स्लीपर वेटिंग रूम में मदरसे के शिक्षक ने बच्चों संग नमाज पढ़ी और खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़कर नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी तस्वीर एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई है।
असल में महानंदा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों को ले जा रहे लोगों को आरपीएफ ने पकड़ा था, जिसके बाद बाल कल्याण समिति को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान उन्हें स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में रखा गया। फिर तो वहीं शिक्षक ने बच्चों संग नमाज अदा करनी शुरू कर दी। अब इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ सुबह से करीब करीब जो है ये जुल्म ढा रखा है। नमाज पढ़ रहे थे, अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया, अब कहीं तो मुझे नमाज पढ़नी पड़नी है, अब इस जगह हमको बैठा लिया गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज। हैरानी की बात तो ये है कि आरपीएफ और जीआरपी ने वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका, और जब इसका विरोध हुआ तो रेलवे पुलिस मीडिया कर्मियों से ही उलझती नजर आई। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो बाद में रेलवे पुलिस ने मुसाफिरों को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। फिलहाल मामले में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने ठेकेदारों से बातचीत की है और सभी बच्चों को बाल गृह भेजने की बात कही जा रही है, जिन्हें उनके परिजनों के आने पर उनके सुपुर्द किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन के स्लीपर वेटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़े जाने के बाद हड़कंप मच गया है। ये घटना हमने जब कैमरे पर रिकॉर्ड की उसके बाद रेलवे पुलिस के लोग यहाँ पर आए, हालांकि वो पहले से मौजूद थे, और अब उन्होंने ये जो वेटिंग रूम है इसे अंदर से बंद कर लिया है और अंदर जो मुसाफिर बैठे थे उन सबको बाहर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किसी भी यात्री को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वेटिंग रूम में सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़े जाने के बाद हड़कंप मच गया है और जो अधिकारी हैं वो अब अपने बचाव में आ गए हैं। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की, और ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होनी है। सुनवाई में दोनों मुस्लिम पक्षकार, पहला मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। 2 बजे का वक्त है और उसके बाद ये सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो देखिए वाराणसी ज्ञान वापी मसले पर आज सुनवाई होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अपनी दलीलें पेश करेंगे। देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या दलीलें दी जाती हैं और उन दलीलों पर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। ये तमाम चीजें हैं। ज्ञानवापी मामले पर लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है। अगर आप देखें तो वाराणसी से इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट में भी तीनों जगह ये मामला और सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं चित्रकूट से पानी के सैलाब की एक ऐसी तस्वीर जो वाकई में हैरान करती है। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से परमहंस आश्रम में पानी घुस गया। आश्रम के भीतर पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों की तरफ से जो पानी आ रहा है वो कितनी तेज धारा इस आश्रम के भीतर ये पानी घुस रहा है। पानी की इन तस्वीरों ने आश्रम में रहने वाले एक साधु, अगर साधु संतों की बात करें इस आश्रम में जो रहते हैं, उनकी नींद उड़ा दी और कैसे संभव है इसमें रह पाना, आप अंदाजा लगाइए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दरमियान किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। वो उछाल काट दिया, वो हाल जामुन वाला हाल, और फिर जामुन वाल से जा रहा होगा। तो देखिए किस तरीके की तस्वीरें आई हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ही सैलाब, आप अंदाजा लगाइए जिस स्पीड से ये पानी आ रहा है और आश्रम में सीधा दाखिल होता चला गया। गनीमत यह है कि यहाँ पर सभी सुरक्षित रहे। इस आश्रम में कई साधु संत मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते उन्होंने अपनी जान बचा ली। और लगातार बारिश के बाद ये मंजर है जहाँ पानी ही पानी, सैलाब का अंदाजा लगाइए कि जिस स्पीड से ये आ रहा है और आश्रम में दाखिल हो रहा है। आश्रम में मौजूद अगर वक्त रहते लोगों ने, दिन का ये वक्त नहीं होकर रात का वक्त होता तो सोचिए क्या मंजर होता। हालांकि बारिश दिन या रात देख करके नहीं होती है, लेकिन यहाँ किस्मत ने साथ दिया कि दिन की बारिश थी और साधु संतों ने अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर यूपी में जहां एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ यही बुलडोजर कावड़ियों पर पुष्पवर्षा भी कर रहा है। जी हाँ, मेरठ से आई बुलडोजर से पुष्पवर्षा की अच्छी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बुलडोजर से पुष्प वर्षा। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि जो बुलडोजर अपराधियों के अतिक्रमण पर प्रहार करता है वही बुलडोजर अच्छे कामों के लिए भी मशहूर है। मेरठ में बुलडोजर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। यहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खुद बुलडोजर पर चढ़कर कावड़ियों का स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा की गई और प्रतीकात्मक भी है, बुलडोजर का महत्व है आपको पता ही आजकल। और देखिए सोच बदल गई है, पहले सरकारें दूर भागती थी कावड़ यात्रा से, लोग व्यवस्था करते थे। आप पहले से देखते आइए 3 करोड़ लोग कावड़ यात्री गुजरते हैं, लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। अभी मैं हिसाब लगा रहा था शायद मुजफ्फरनगर के लोग 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं मुजफ्फरनगर। सावन में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से वो भी काफी खुश थे। इस दौरान संजीव बालियान ने उनसे आशीर्वाद भी लिया और कांवड़ मार्ग पर तैयारियों का जायजा लिया। सरोज शर्मा, मेरठ, एबीपी गंगा। और मेरठ में भोलेनाथ का एक ऐसा भक्त मिला है जिसकी मनोकामना महादेव ने पूरी कर दी, तो फिर दिल्ली के इस भक्त ने भी हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर कावड़ के जरिए बाबा पर चढ़ाने की ठान ली। देखिए ये रिपोर्ट। ये है 151 लीटर की मनोकामना कांवड़। सावन में भोले का आशीर्वाद कांवड़ियों को ऐसे ही मिलता है। कहते भी हैं कि भोले बाबा के दर पर खाली झोलियां भी भर जाती हैं। कुछ भक्त मनोकामना पूरी होने पर कांवड़ लाते हैं और कुछ भक्त कांवड़ लाकर मनोकामना मांगते हैं। ऐसे ही दिल्ली के एक भक्त की भोले बाबा ने मनोकामना पूरी की तो वो 151 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर चल दिए। बॉबी अपने साथी नीरज और हर्ष के साथ मुस्कुराते हुए हरिद्वार से दिल्ली निकले। हम तो देखो इसमें 151 जल है, अब वो जैसे ऐसे धीरे धीरे चल ही रहे हैं बाबा का नाम लेके। अच्छा। सुबह 4-5 बजे उठ के चलते हैं, 10-11-12 बजे तक। अच्छा। वही शाम को 4-5 बजे उठते हैं। अच्छा। वही 10-11 बजे तक रात को चलते हैं। अच्छा। बड़ी हिम्मत का काम है, कहते हैं कि भाई पैदल चलना और उसके ऊपर से इतना वजन कैसे कर पा रहे हैं? बस चल ही रहे बाबा का नाम लेके। अच्छा। उठा लिया तो चलना तो पड़ेगा ही। हाँ। बस चल ही रहे बाबा। अच्छा, बाबा का विश्वास है, बाबा के भक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब इतने दूर से आ गए तो अब आगे भी पहुँच लेते हैं। 151 लीटर गंगा जल अपने कंधे पर लेकर ये शिव भक्त 11 जुलाई को हरिद्वार से चले थे। अच्छी बात तो ये थी कि शिव भक्त जहां से भी गुजर रहे थे वहीं हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। सरोज शर्मा, मेरठ, एबीपी गंगा। और देखिए कांवड़ियों के लिए मेरठ में विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ उनकी सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक का पूरा इंतजाम प्रशासन कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके एक चिकित्सा दल ऐसा भी है जो मुख्य रूप से इनकी हर परेशानी को चुटकियों में सुलझा देता है। कांवड़ियों के लिए यूं तो स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा और हर तरह का जिम्मा यूपी सरकार ने उठा रखा है, लेकिन मेरठ में इस बार सचल कांवड़ चिकित्सा दल की भी खास तैयारी की गई है। बस एक कॉल कीजिए और सेवा दल कांवड़ियों के पास होगा। 15 बाइक पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के स्वास्थ्य का जिम्मा संभाल रही है। दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने सिवाय टोल प्लाजा पर हरी झंडी दिखाकर इस सचल कांवड़ चिकित्सा दल को रवाना किया। डीएम के मुताबिक इन्हें एक खास तरह की रेडियम जैकेट दी गई है जिससे ये दूर से ही पहचान में आ जाएं। आपको बता दें कि एक कांवड़ चिकित्सा कैंप से दूसरे कैंप की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। ऐसे में किसी भी कांवड़िए को बीच रास्ते में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये सचल दल लगातार घूम घूम कर कांवड़ियों का इलाज करेगा। 5 किलोमीटर दूर पर जो गांव है वो रतौली गांव पड़ता है, सरधना इलाके में वो आता है और इसी तरीके से शिव भक्त कांवड़ियों के लिए करते हैं।
भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इसी मनोकामना को लेकर ये शिव भक्त भोले के दर पर जा रहे हैं और गंगा जल लेकर अब शिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं और इंतजार है शिवरात्रि का, जब भोले बाबा को जल अभिषेक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।